और कहाँ हुआ था, कौन से समय? गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। और मृत्यु गांधी जी की कौन से समय हुई? 30 अक्टूबर 1948। कि गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। कहां हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कौन से सन में? अब वो तो बता देंगे आपको। पद्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी पर कितना ज्ञान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। 2 अक्टूबर यानी कि कल देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। देश के सभी राज्यों में गांधी जयंती के अलग अलग रूप देखने को मिले। कहीं बापू की जयंती पर संकल्प यात्रा निकाली गई तो कहीं पद यात्रा निकाली गई। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाकर विधायकों को गांधी जी के बारे में अहम जानकारी दी। लेकिन इस दौरान जब मीडिया का कैमरा विधायकों के पास से गुजरा, बापू के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु पर पूछे गए सवाल पर हमारे माननीयों ने क्या कुछ कहा और उनके पसीने कैसे छूटे, ये हम आज आपको दिखाएंगे अपनी इस खास पेशकश में। गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था, कौन से समय? गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। और मृत्यु गांधी जी की कौन से समय हुई? 30 अक्टूबर 1948। क्योंकि गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। कहां हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कौन से सन में? अब वो तो बता देंगे आपको। पद्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जयंती का मौका था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया ताकि तमाम विधायक गांधी जी के जीवन और उनके आदर्शों को करीब से जान सके। इस 2 दिवसीय सत्र के दौरान विधायकों को गांधी जी से संबंधित किताबें और पैम्पलेट जो है वो बांटे गए। साथ ही विधानसभा परिसर में गांधी जी को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। यही नहीं, नेताओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। इस पूरे आयोजन में बघेल सरकार ने करोड़ों रुपए भी खर्च किए। लेकिन जब सत्र में शामिल हुए विधायकों से महात्मा गांधी के बारे में कुछ सवाल पूछे गए तो विधायकों के जवाब हैरान करने वाले थे। देखिए गांधी जयंती पर छत्तीसगढ़ के विधायकों का रियलिटी चेक। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि ये जानेंगे कि महात्मा गांधी का जीवन काल कैसा था। आइए हम रियलिटी चेक करते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि महात्मा गांधी के बारे में कितना जानते हैं। अब देखिए, ये हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से कांग्रेस के विधायक रेख चंद्र जैन। इनसे गांधी जी के बारे में पूछा तो देखिए इनके चेहरे की हवाइयां कैसे उड़ने लगी। इन माननीय को ना तो गांधी जी के जन्म के बारे में पता है और ना ही मृत्यु के बारे में, और तो और गांधी से जुड़े हुए आंदोलन के बारे में भी इन्हें सही जानकारी तक नहीं है। गांधी जी पे संगोष्ठी चल रही विधानसभा में, तो गांधी जी के बारे में कुछ बताइए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? टिपिकल क्वेश्चन। ओह नो। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? अब इन्हें भी देख लीजिए, ये है छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल। ये अभी अभी विधानसभा से गांधी जी के बारे में लंबा चौड़ा व्याख्यान सुनकर आए हैं। लेकिन जब उनसे गांधी जी के जन्म और जन्म स्थान के बारे में पूछा गया तो इनका जवाब गोलमोल था। गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? देखिए मेरी बात सुनिए, गांधी जी के बारे में पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे बोलना चाहिए
वर्ल्ड के लोग भली भांति जानते हैं कि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, हम लोग पूरे राष्ट्र ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको जन्म कब हुआ था सर, कब और कहां, कौन से सन में हुआ था गांधी जी का जन्म? देखिए जन्म तो मैं देख के बता पाऊंगा आपको, अब इतना बताया ना, आप चलते हो गाड़ी में अगर ऐसे पूछेंगे पूरा आप इंटरव्यू लीजिए मेरा, वरिष्ठ विधायक है, नहीं नहीं आप चलो। विधायक जी का कहना है कि गांधी जी के बारे में पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है, लेकिन विधायक जी नहीं। जानकारी के अभाव में विधायक जी पल्ला झाड़ते खिसक गए। जब कांग्रेस के विधायक विनय जायसवाल से गांधी जी के जन्म के बारे में पूछा गया तो विधायक जायसवाल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गांधी के बारे में उल्टा सीधा ज्ञान दे दिया। इन महाशय ने तो गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कर दी। गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, 2 अगस्त 1969 में। कहां से शुरुआत की थी गांधी जी ने अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन? गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी को स्कूल के दिनों में पढ़ने वाले विनय जायसवाल विधायक बनते ही भूल गए। कांग्रेस के विधायक छन्नी साहू को विधानसभा में गांधी जी के सिद्धांत के बारे में चर्चा हुई, ये तो पता है, लेकिन क्या चर्चा हुई ये वो नहीं बता पाई। तो मोहनदास करमचंद गांधी को लेकर सड़क से सदन तक जमकर सियासत हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी ने कहा है कि गांधी हमारे हैं, तो वहीं कांग्रेस कहती चली आ रही है कि बापू तो आजादी के पहले से ही हमारे हैं। गांधी जी को लेकर ये तो कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों के एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले जवाब थे। अब लगे हाथ जरा बीजेपी के विधायकों का भी IQ लेवल चेक कर लेते हैं। महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया ये तो कह रही हैं कि बचपन से गांधी जी के बारे में पढ़ती आ रही हैं। जब इनसे हमने पूछा कि गांधी जी के जन्म के बारे में बताइए, तो आप खुद ही सुन लीजिए कि इनका जवाब क्या था। अच्छा, गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? अरे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर। अच्छा, गांधी जी की मृत्यु कहां हुई थी, कौन से समय? याद भी ध्यान से भूल जाते हैं, राजघाट में उनकी अपनी उनकी गांधी जी बनाया को गया। किसने दी? गांधी जी को बापू की, क्योंकि वो पूरे देश के लिए ऐसा आंदोलन किए जिसमें राष्ट्रपिता का सब चीज़ अपना सुख साधन सब चीज़ त्याग के, वस्त्र त्याग के, अपने जो वेशभूषा है, इतने अच्छे घर के थे, बैरिस्टर थे, उसके बाद उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के सादा जीवन, उच्च विषाद और अहिंसा के रास्ते पे चल रहे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से की? अब बड़े तो भाई चलो। अब इनसे मिलिए, ये है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कोंडा गाँव से विधायक मोहन मरकाम। आप ही देख लीजिए इन्हें गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कितनी बातें पता है। गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर को। पोरबंदर सन में 2 अक्टूबर को पोरबंदर। मृत्यु कब हुई थी गांधी जी की? 30 जनवरी 1948। अच्छा सर, गांधी जी का पहला कौन सा सत्याग्रह आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह था पहला। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये जानकारी। विधानसभा से लगातार कांग्रेस के विधायक गांधी जी के बारे में लंबा चौड़ा व्याख्यान सुनकर निकलते आ रहे थे, लेकिन उन्हें ना तो गांधी जी के जन्म के बारे में पता था और ना ही मृत्यु के बारे में। जन्म कब और कहां, कौन से सन में? अब ये सब कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश भर में, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। मृत्यु बता दीजिए, गांधी जी की मृत्यु कब और कहां, कौन से सन में?
ये पूरा अभी ये सब चीज़ों का गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? लेकिन सर दो दिवसीय जो है संगोष्ठी चल रही है विधानसभा में, महात्मा गांधी जी के ऊपर ही हो रही है, लेकिन आप लोग विधायक हैं। जी जी जी, अभी पूरा लिटरेचर वगैरह पिला है, एक एक बताए। विधायक लालजीत राठिया से गांधी जी के बारे में पूछा गया तो ये क्या, विधायक जी तो किताब पढ़ पढ़कर गांधी जी के बारे में जानकारी देने लगे। ये बताइए कि गांधी जी पे संगोष्ठी चल रही है यहाँ, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म जो है वहाँ पोरबंदर में हुआ था। कौन से सन? ये सन यार, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? देख के बताता हूँ। नहीं, 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 देखने में तो है ही है। बता रहा हूँ। महात्मा की उपाधि किसने दी? कोने यार, देखने तो दो। गांधी जी की शहादत हुई थी 30 जनवरी सन 1948। अच्छा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा को उपाधि अब वो भी देखने दो ना, पढ़ने दो। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुई थी है ना, पोरबंदर में। और अब आपको मिलवाते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा से। अरुण वोरा भी कांग्रेस से विधायक हैं, लेकिन इनसे जब हमने गांधी जी के बारे में कुछ पूछना चाहा, तो ये भी जवाब के अभाव में बगले झांकने लगे। वरिष्ठ विधायक हूँ, हाँ, नहीं इसमें जन्म कब हुआ ये सब नहीं चल रहा है, 150 साल में चर्चा नहीं हुई। हाँ हाँ, नहीं वो तो 1800 उसमें कुछ हुआ था। अच्छा सर, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु ये तो वैसे आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, वो मैं नहीं नहीं विधानसभा में ये सब नहीं हो रहा है। आप ये सब चीज़ आप प्रश्नोत्तर टाइप का कर रहे हैं, मैं विधायक हूँ, पर मेरे को ये थोड़ी जानकारी कि आप मेरे से ये पूछने वाले हैं। देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था तो हमारा जन्म नहीं हुआ था। अब इनको देखिए, ये हैं बेमतरा विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हुए युवा विधायक आशीष छाबड़ा, लेकिन इन्हें भी गांधी से जुड़ी हुई जानकारी नहीं है। इनका कहना है कि गांधी जी के पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी। 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आज 150 जयंती हम सब यहाँ पे विधानसभा में, पूरे देश में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया, उसमें सभी विधायक यहाँ उपस्थित होकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी सत्य अहिंसा प्रेम के रास्ते में चलते थे और उन्होंने सबको संदेश दिया था कि इंसान को हमेशा सत्य अहिंसा एवं प्रेम के रास्ते में। गांधी जी ने अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? सत्याग्रह की पहली शुरुआत छत्तीसगढ़ से उन्होंने की। इन्हें देखिए, ये हैं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद छाया वर्मा। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व दिल्ली में करती है, ये भी विधानसभा पहुँचती थी और यहाँ गांधी जी के बारे में चल रहे व्याख्यान में शामिल थी। लेकिन जब बाहर आई और हमने इनसे गांधी जी के बारे में पूछा, तो आप ही सुन लीजिए इनका क्या कहना था। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर को पोरबंदर में। कौन से सन में हुआ था? सन हुआ था 1882। अच्छा, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? नाथूराम गोडसे जी ने उनको गोली लगाया और 1947 में तो देश आजाद हुआ, उसके 2-3 साल पहले। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? विनोबा भावे जी ने। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? वैसे तो उनके बहुत सारे गुरु थे, लेकिन मुख्य रूप से वो जैसे छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने सुंदरलाल शर्मा जी को अपना गुरु कह दिया था। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बहुत सारे आंदोलन किए, पूरा उनका जीवन ही आंदोलनों से भरा रहा,
पहली वो अंग्रेजों के खिलाफ नमक कानून तोड़ने से की। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ? जब उन्हें असहयोग आंदोलन जब अंग्रेज देखे वो जबकि अंग्रेज किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं देश के लोगों को, तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया। ये है छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत। ये छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा से सांसद है। हालांकि इनकी जानकारी गांधी जी को लेकर कांग्रेस के दूसरे नेताओं की अपेक्षा ज्यादा है। जन्म कब और कहां हुआ था? क्यों पूछ रहे हैं भैया? आप सांसद हैं? नहीं अभी मैं कुछ नहीं, पोरबंदर में हूँ, मुझे भी पता है। कौन से सन में हुआ था? 69। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1948 में। गांधी जी को 30 जनवरी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोग सब उनको महात्मा बोलते। जब उन्होंने इतना काम किया तो महात्मा हम लोगों ने उपाधि दी, उन्होंने स्वयं नहीं लिए है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? ये तो वैसे अफ्रीका से उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। जोहान्सबर्ग में वो गए थे दक्षिण अफ्रीका में, तो वहाँ पर जो कालों के बीच में कि ये गोरे और काले जब वो सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, तब उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, उनका सामान फेंका गया था, तब से उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने हम भारतीयों के लिए ये लड़ाई शुरू की। अब बात करते हैं बघेल सरकार के उन विधायकों की जो आए दिन अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। ये है छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके साथ हैं कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह। जरा गांधी जी को लेकर इन दोनों का भी ज्ञान सुन ही लीजिए। ये कि गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, गुजरात में, और उससे कौन से सन में? 1969 में हुआ है। लेकिन गांधी जी की मृत्यु कब हुई है? गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी में हुआ है। हमारे हम लोग सहयोग के लोग हैं छत्तीसगढ़ में, महात्मा गांधी ने दो बार आया था। कांग्रेस पार्टी जो है गांधी जी के बारे में पूरे देश के लोगों को बताना चाहती है कि गांधी जी राष्ट्रपिता थे, उनके जीवन के बारे में बताना चाहती है। अभी रिकॉर्डिंग करोगे ना, डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए मैं पूछा डिटेल हाउस में, नहीं नहीं आपको भी पास इसलिए दिया गया है, हाउस में हम डिटेल चर्चा करेंगे। सभी लोग रिकॉर्डिंग करो ना, दुनिया को दिखाना। हाउस के बाहर भी है जनप्रतिनिधि? नहीं नहीं जनप्रतिनिधि हाउस, हम अगर हाउस नहीं रखे होते तब हम आपको बाहर बता। विधायक बृहस्पति सिंह ने तो बापू के बारे में जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। इनका तो कहना है कि जो भी गांधी के बारे में बोलेगा विधानसभा के अंदर ही बोलेगा, बाहर फिलहाल तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो सुना आपने किस तरह से जो हमारे माननीय हैं उनका ज्ञान क्या है, वो भी गांधी जी को लेकर, और खासकर छत्तीसगढ़ सरकार का जिक्र हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। कांग्रेस के माननीयों का ज्ञान हमने देख लिया, और चलिए जरा देख लेते हैं कि बीजेपी जो कहती आई है संकल्प यात्रा निकालती आई है, तो गांधी जी को लेकर कांग्रेस विधायकों के अलावा एक से बढ़कर एक मंत्री जो है उन्होंने अपने ज्ञान दिए। बीजेपी के विधायकों का क्या हाल है, उनका IQ लेवल क्या है, ये भी देख लेते हैं। हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से ही पूछा कि आखिर वो गांधी जी के बारे में कितना जानते हैं, उनका जन्म और मृत्यु कब हुई, तो सुनिए कि वो क्या कहते नजर आ रहे हैं। गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था, कौन से सन? गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, और मृत्यु गांधी जी की कौन से सन में हुई? 30 अक्टूबर 1948। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? वैसे महात्मा जी के, गांधी जी के बारे में राष्ट्रपिता का, महात्मा गांधी का अलग अलग उदाहरण आया है, और इसलिए उनको महात्मा जी की उपाधि दी गई। लेकिन किसने दी थी गांधी जी को महात्मा की उपाधि? गांधी जी को महात्मा की उपाधि पढ़ा था या भूल गया मैं। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गांधी
गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन अफ्रीका से शुरू किया था, जब वहाँ जो भेदभाव हुई नस्लवाद के खिलाफ में, तब उन्होंने वहाँ से लोगों को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद वहाँ से शुरू किया। नमक सत्याग्रह की शुरुआत दांडी हमको मालूम है कि दांडी से यात्रा निकाले, दांडी पहुँचे और दांडी में पहुँच करके फिर वहाँ पर नमक सत्याग्रह, उनके कानून को तोड़ा नमक के, और उसके बाद में उस दिन से उनको ये कहा गया कि भाई नमक सबके लिए फ्री है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन हम सबको मालूम है कि 20 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। मिलिए ये हैं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर। हालांकि इन्हें गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कई बातें पता है, लेकिन गांधी जी के सवालों पर इन्होंने बीजेपी नहीं कांग्रेस के विधायकों से सवाल पूछने की नसीहत दे डाली। गांधी जी की मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली में साहब, 30 जनवरी। गांधी जी के कोई पांच बड़े जो है आंदोलन, पांच बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन उसका हो सकता है, नमक सत्याग्रह हो सकता है, खिलाफत आंदोलन हो सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन हो सकता है, सब नए अवज्ञा खुद हो सकती है। गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन, पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया? चंपारण में 1917 में राम कुमार शुक्ल जी के बुलावे पर। आप मुझसे पूछ रहे हैं ये सब की एकाध कांग्रेसी पूछे ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं ये सब की एकाध कांग्रेसी पूछे ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं ये सब की एकाध कांग्रेसी पूछे ना। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए R9 TV। नमस्कार। कब और कहां हुआ था, कौन से समय? गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, और मृत्यु गांधी जी की कौन से समय हुई? 30 अक्टूबर 1948। गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। कहां हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कौन से सन में? अब वो तो बता देंगे आपको। पद्म की उपाधि किसने दी थी?